छतरपुर से जहां पर कुएं में गिरी मां बेटी की मौत हो गई है। खेलते समय कुएं में गिरी थी मासूम बच्ची और बेटी को बचाने के लिए मां ने कुएं में छलांग लगा दी। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। बमीठा थाना क्षेत्र के झमटोली गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां कुएं में गिरी मां बेटी की मौत हो गई। खेलते समय कुएं में गिरी थी मासूम बच्ची, बेटी को बचाने के लिए मां ने कुएं में छलांग लगा दी। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर, बमीठा थाना क्षेत्र के झमटुली गांव की यह घटना बताई गई है। और संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, वाकई में बहुत ही दुखद ये पूरा हादसा सामने आ रहा है, जहां बेटी को बचाने के चक्कर में मां ने भी छलांग लगा दी कुएं में। कैसे ये हादसा हुआ? देखिए रेनू, बिल्कुल जिस तरह से जो घटना सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं माँ की जो ममता है, उसकी जो दर्दनाक जो हादसा हुआ है, उसकी माँ की ममता का बिल्कुल घटना सामने आई है। माँ की ममता भरी घटना है, जिसमें एक जो मासूम बच्ची है कुआ के पास खेल रही थी और वह अचानक कुएं में गिर जाती है और अपनी बेटी को अपने जिगर के टुकड़े को जैसे ही कुएं में गिरता माँ देखती है, तो माँ ही तत्काल कुएं में बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा लेती है। लेकिन वहाँ आसपास कोई और नहीं रहता है, माँ तैर के भी नहीं जानती है। तो ऐसे में इस घटना में माँ और जो बेटी है दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहां पर पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है और शव को निकालने की कोशिश की जा रही है और तहसीलदार भी मौके पर हैं और घटना के जो कारण है उन कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसमें यही सामने निकल के आया कि माँ की ममता भरी जो ये घटना है, कहीं ना कहीं माँ की ममता इतनी बेटी के लिए ऐसी आई कि वो कुएं में जाके छलांग लगाई और खुद की भी जान गई और बेटी की भी जान चली गई है जी। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आज भी नरेंद्र देखा जाता है कि कुएं की जो बाउंड्री होती है वो ऊपर नहीं होती है, किसी तरीके की कोई रेलिंग नहीं होती है और ये बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब